और अभी इधर देखिए दोस्तों, हम लोग सुबह सुबह लग गए हैं काम पे। अब चलते हैं बाउंड्री के ऊपर, चढ़ते हैं। चलो धैर्य के देखे करो। नहीं होंगे हम बोबट लेके बैठे हैं यात्रा। हाँ हिंदी रखने। देखिए इधर भाड़ा वगैरह सब रेडी करके ऊपर में चढ़ गए हैं मचान के ऊपर। देखिए मिस्त्री जी मसाला छपना शुरू कर दिए। इस साइड बड़ा हो गया है जी, एक साइड। तुम डालते जाओ बाबू। देखिए इतना सा टाइल्स बच गया है, ये सब पार्किंग टाइल्स है। हेलो दोस्तों, आप सबों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जिंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का समय है और सुबह सुबह का मौसम देखिए दोस्तों, कितना मस्त एकदम प्यारा सा सुनहरा मौसम किया हुआ है दोस्तों। ये देखिए पूरा एकदम बादल ढका हुआ है, बिल्कुल एकदम ठंडा मौसम कर दिया है। आज लग रहा है दोस्तों आज भी बारिश होगा, आज धूप वगैरह सुबह से नहीं उगा हुआ है ना जी? बारिश आने लगा। हाँ देखिए टपक टिपिक शुरू भी कर दिया है दोस्तों बारिश। ये देखिए एकदम। और अभी इधर देखिए दोस्तों, हम लोग सुबह सुबह लग गए हैं काम पे। यहाँ पर जो माटी भर गया था आंगन में, उसको अभी साफ कर रहे हैं। पिताजी देखिए खोखर खोखर करके पूरा एकदम जमा कर रहे हैं, निकल गया लाता। हाँ पूरा पानी बह करके उधर से आ गया था और उसी के साथ में पूरा एकदम मिट्टी आ गया एकदम आंगन में। हाँ पूरा देखिए आंगन को कितना खराब कर दिया था। अभी पिताजी उसी को साफ कर रहे हैं। और इधर देखिए दोस्तों रंगीला बाबू को अभी टेम्पू गुड़का रहा है। सब तो एकदम काबाड़ी बना दिया बाबू, कैसे चलेगा बिना चाका का? चाका है ये नहीं है, जबरी गुड़का रहा है। बिना चाका का चला रहा है टेम्पू क्या? अच्छा हार जोत रहा है। मिट्टी का इधर इधर मत करो, इधर मत करो, इधर साफ किए हैं दादाजी और इधर ही कर दे रहा है। तो देखिए पिताजी इतना मिट्टी जमा कर लिए हैं दोस्तों टार करके। अब चलते हैं ऊपर, चढ़ते हैं और वहीं से फेंक देंगे। आप लोग इधर से देते जाइएगा है ना। हम ऊपर चढ़ते हैं। तुम कहाँ जा रहा है बाबू, गिरेगा तो? इसको बहुत रीझ लगता है, जहाँ जहाँ हम लोग काम करेंगे वहीं पर आकर के रहेगा। जाओ जाओ उधर जाओ, जाओ उधर जाओ, उधर जाओ, काम करने दो। तो आंगन वाला बालकोनी में आ गए हैं दोस्तों। अब यहीं से मिट्टी उठा उठा करके फेंक देंगे बाहर है ना जी। नीचे से कविता जी देते जाएंगे, हम इधर फेंकते जाएंगे और पिताजी बाकी सब को टारते जाएंगे और जमा करते जाएंगे। बोरा बिछा हुआ है बोरवा में। अच्छा तो कल मिस्त्री लोग यहाँ पर प्लास्टर कर रहे थे दोस्तों, इसीलिए देखिए मसाला वगैरह दे करके छोड़े हुए हैं। आज फिर प्लास्टर करेंगे, इसलिए पहले से ही बोरा बिछा हुआ है, तो इसको नहीं उठाएंगे अभी, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अभी मिस्त्री लोग आएंगे तो फिर वो लोग काम करेंगे, तो कितना फिर बोरा बिछाते रहेंगे। इसलिए चलते हैं हम लोग दूसरा साइड होकर के फेंकते हैं। पिताजी वहां से देते जाएंगे, हम इधर फेंकते जाएंगे। अब चलते हैं बाउंड्री के ऊपर, चढ़ते हैं। यहाँ आती है ना साइड में गढ़ा। हाँ हाँ जवान साइड में। हाँ हाँ इधर ही से दीजिए ना। तो पहले ये सब गड्ढा भर लेंगे दोस्तों। देखिए उधर पाना पियाया हुआ है ना, उधर ही दे देंगे ताकि उधर लीकेज नहीं करेगा। जय श्री राम। देखिए हम लोग का दोनों काम होते जा रहा है, हम लोग का आंगन भी साफ हो जाएगा और हम लोग का यहाँ पर मिट्टी भी भरा जाएगा। अय्या और देखिए अभी तक पूरा बूंदा बूंदी दे ही रहा है दोस्तों पानी। ये देखिए एकदम लगा दिया है आज सुबह से ही, लग रहा है कि आज बारिश दिनों भर रहेगा, उसी टाइप का मौसम बनाया हुआ है। ये सब माटी भरा हुआ रहेगा ना, तो बारिश आएगा उस समय पूरा एकदम बैठ जाएगा। देखिए वाला लास्ट है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग का आंगन की पूरा साफ सफाई हो गई है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग, धोआ धोई करते हैं, उधर ही लेते जाएंगे गमला को। इधर से ही चलते हैं। तो
तो चलिए नीचे आ गए दोस्तों, अब चलते हैं इसको इधर रख देते हैं। अच्छा इसको भी साइड करना है ना। गाजर कर ला। चला धैर्य कही देखे करो, तुम्हें पाइप साइड करवे जी, उन्हें राखी दे भाई। नहीं होंगे हम बहुत लग गई थी यहाँ। इतना हो इसको फिर से रिपेयरिंग करने से ना बढ़िया बनेगा। फिर बनाऊंगी। हाँ हिंदी रखने साइड में। हिंदी था। बनाऊंगी। तो ये वाला टेबल हम लोग यहीं पर रख दिए दोस्तों, अब फिर रंगीला के नाना जी आएंगे उस समय रिपेयरिंग करने के लिए बोलेंगे, बढ़िया हो जाएगा। तभी इसको यहीं पर छोड़ दिए हैं। और अभी उधर देखिए दोस्तों, पहाड़ के साइड साइड में पूरा एकदम पानी लेकर के जा रहे हैं। देखिए कितना बड़ा चढ़ाई को चढ़ेंगे अभी पानी लेकर के, क्योंकि उन लोग का कुआं ना पूरा एकदम भथा गया है, एकदम बारिश से पूरा कचरा हो गया है, इसलिए हम लोग का ही कुआं से ले जाते हैं पानी पीने के लिए। देखिए बारिश वगैरह होने से कितना ज़्यादा दिक्कत होता है, और नहीं भी होने से कितना ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। और अभी मिस्त्री लोग भी आ गए हैं दोस्तों, अभी काम पर लग गए हैं। देखिए इधर भाड़ा वगैरह सब रेडी करके ऊपर में चढ़ गए हैं मचान के ऊपर, और देखिए यहाँ पर दीवार में घोला वगैरह सब डाल दिए हैं, यहीं पर प्लास्टर होगा। कल उधर हुआ है, अब इधर करना है, उसके बाद में ये साइड करना है। आज ये सब कंप्लीट कर देंगे क्या मिस्त्री जी? आज हो जाएगा ना? हाँ, उसके बाद में ये सब को करना है दोस्तों। देखिए ऊपर ऊपर में पूरा एकदम अच्छा तरह से करना है प्लास्टर, और देखिए हम लोग का नीचे में हो गया है, ये सबको तो करने का जरूरत नहीं है, यहाँ से ऊपर करना है। देखिए मिस्त्री जी मसाला छपना शुरू कर दिए, देखिए घोला दे दिए ना तो पूरा दिन चिपक जा रहा है, ज़्यादा गिरता नहीं है क्या मिस्त्री जी? देखिए और तारी भी इतना अच्छा हुआ है ना, यहाँ से पूरा दिन पानी निकलता है दीवार से, ऐसा पानी पड़ता है तो बहुत अच्छा एकदम प्लास्टर होता है, पूरा जाम पकड़ लेता है। और इधर देखिए वो मिस्त्री जी फटाफट मसाला लगाते जा रहे हैं। तो देखिए ये साइड प्लास्टर हो चुका है दोस्तों, देखिए बढ़िया तरह से ऊपर नीचे पूरा दम कर दिए हैं। और देखिए अभी उधर करने के लिए जा रहे हैं, देखिए भाड़ा वगैरह सब इधर खोल लिए हैं, और अभी उधर बांधने के लिए जा रहे हैं, अब उधर करेंगे। देखिए पाइप लगा रहे हैं, और देखिए ये सब को करना है दोस्तों, एक मिस्त्री नीचे नीचे करेंगे और एक मिस्त्री जी ऊपर में करेंगे ये साइड में। देखिए इधर जो दिया हुआ है दीवार उसी में करेंगे प्लास्टर। देखिए इधर एकदम पाइप वगैरह इधर लगा दिए हैं, इधर और पाइप लगेगा नहीं, तो इधर एकदम सॉलिड दीवार है, इधर मारते जाएंगे और एक मिस्त्री जी इधर मारते जाएंगे, दोनों साइड एकदम कंप्लीट हो जाएगा। आज लग रहा है कि हमारा गली जो है कॉरिडोर पूरा कंप्लीट हो जाएगा प्लास्टर हो करके। तो देखिए उधर पाइप बांध लिए हैं दोस्तों, और अभी यहाँ पर खूंटा जाम कर रहे हैं, यहाँ पर खूंटा अच्छा तरह से लगा लेंगे, उसके बाद में पाइप को बांध देंगे। और अभी देखिए दोस्तों कैसा मौसम कर दिया है, ये देखिए उस समय तो पूरा एकदम झिमिर झिमिर बारिश लगा दिया था, लेकिन अभी छूट गया है, अभी सिर्फ काला काला बादल दिख रहा है। देखिए पूरा बादल ढका हुआ था, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे जो है इधर छपते जा रहा है बादल, सिर्फ उधर दिख रहा है काला काला, वो देखिए पूरा एकदम जो है घनघोर बारिश होगा उस टाइप का एकदम बादल छा गया है। और इधर देखिए कविता जी को अभी यहाँ पर बैठ लिए हैं, और कान में क्या घुस गया जी? सब सवाल है। अच्छा नहा धो करके फ्रेश हो जाइए, सब साफ हो जाएगा। और इधर देखिए मसाला वगैरह भी सब सान करके रेडी कर लिए हैं दोस्तों, और इधर देखिए बालू भी चला गया है, देखिए सुबह से इतना चाले हुए हैं, देखिए ये मिस्त्री जी चाले हुए हैं, आज तुम लोग आए नहीं चाची जेठी, आज भैया ही चाले हुए हैं। तो अभी बढ़िया ठंडा मौसम किया हुआ है दोस्तों, तब चलते हैं बालू चालते हैं हम लोग, है ना जी? देखिए इतना ही सा बालू चला हुआ है, और भी हम लोग चालते हैं, चलिए जी फटाफट चालते हैं। यहाँ खड़ा कीजिएगा, इस साइड बड़ा हो गया है जी, एक साइड पकड़ के चलते ना, जल्दी होता है। तो अभी हम लोग दोनों साइड से पकड़ करके अभी बालू चालेंगे दोस्तों, तो चलते यहाँ पर रख देते हैं और बालू डाल लेते हैं, उसके बाद में फिर दोनों साइड से ऐसे ऐसे हिलाएंगे क्या? हाँ चलो बाबू तुम डालो 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 डालो, रंगीला डालेगा और हम लोग चालेंगे, हम लोग पूरा इस तरह से एकदम पकड़ पकड़ के एकदम हिलाएंगे, बालू पूरा गिरेगा, लाओ जल्दी जल्दी लाओ। चलो डालो डालो डालो, ज्यादा डाला नहीं है इसीलिए नहीं हो रहा है। तुम डालते जाओ बाबू, जल्दी जल्दी डालो। अच्छा से डालेगा ना,
वहाँ मिला रहा है। देखिए पूरा झुरुर झुरुर झर रहा है, थोड़ा भींग गया है ना बलुआ, इसलिए ज़्यादा नहीं गिर रहा है, नहीं तो सूखा रहता तो पूरा गिरता। देखिए इतना मोटा बालू निकल गया दोस्तों, अब इसको इधर साइड में फेंक देते हैं। चलिए जी, चलिए फेंकिए। चलो बाबू डालो। नहीं सकता है तुम, रुको रुको रुको, भिंगल वाला मत दो, इधर सूखा सूखा है, उसको देगा कि तब न चलाएगा बढ़िया। भाई साहब, देखिए कुछ कुछ सूखा हुआ है, अभी थोड़ा मौसम साफ किया है ना तो सूख गया है। चलिए हिलाइए, देखिए सूखा सूखा दिए ना तब झरझरा के गिर रहा है, देखिए नीचे कितना ज्यादा गिर रहा है। तो बालू हम लोग चाल लिए दोस्तों, और देखिए जो चाले हुए थे वो बालू को नाप लिए हैं और यहाँ पर सीमेंट वगैरह डाल दिए हैं मसाला बनाने के लिए। देखिए उन लोग का भी मसाला खत्म हो गया है, तब इसी को फेंटेंगे, उसके बाद में पानी वगैरह डाल करके बढ़िया तरह से मसाला बनाएंगे, उसके बाद काम करेंगे। और इधर देखिए ड्राम में भी पानी फुल कर दिए हैं, अब दिक्कत नहीं होगा, लाइन भी कट जाएगा ना तो भी कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, काम चलते रहेगा। तो अभी लंच का समय हो गया है दोस्तों, तो सारे मिस्त्री लोग अभी लंच कर रहे हैं, तो अभी हम चलते हैं दोस्तों, टाइल्स जो बच गया है उसको रिटर्न कर देते हैं, क्योंकि अब वो लगेगा नहीं, चारों तरफ तो टाइल्स लग ही गया है, अब वो उतना सा बचा हुआ है, जो भी बचा है उसको रिटर्न कर देंगे, उसके बाद में फिर हम लोग का टाइल्स का काम खत्म है ना जी, सारा हिसाब किताब करके भी आना है। देखिए इतना सा टाइल्स बच गया है, ये सब पार्किंग टाइल्स है, देखिए 9 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बॉक्स हम लोग का बच गया है पार्किंग टाइल्स, इसी को रिटर्न करना है, और बाकी तो और है नहीं है ना जी। हाँ। और भी कुछ कुछ सामान बचा हुआ है, उस सबको भी रिटर्न करना है, तो चलते हैं आज टाइल्स रिटर्न कर देते हैं, उसके बाद में फिर उधर से आते हैं तो फिर देखेंगे क्या जी। हाँ जी, तो अब चलते हैं दोस्तों, सारा टाइल्स को बाहर निकालते हैं, पहले गाड़ी को ही उधर घुमा लेते हैं, उसके बाद में एक ही साथ रखते जाएंगे, आसानी होगा। गाड़ी यहीं पर खड़ी कर देते हैं, चलिए अब फटाफट टाइल्स निकालते हैं और एक ही साथ लोड करते जाते हैं, जितना अटेगा उतना रखेंगे, बाकी फिर दूसरे दिन टाइल्स को रिफंड कर देंगे। हाँ इसको पकड़िए, तब एक ठो उधर कीजिए ना, दोनों हाथ में पकड़िए जी, हो जाए। तो इतना ही लोड हो पाया दोस्तों, क्योंकि और जगह ही नहीं है, और नहीं तो एक दो और देते क्या जी, 5 को हुआ। फिर भी 5 को लोड हो गया है, इतना कम नहीं है, अभी दूसरा गाड़ी रहता ना तो इतना भी लोड नहीं होता क्या। लीजिए उधर पकड़िए, इसीलिए जो है स्कूटी सबसे बेस्ट होता है, स्कूटी में बहुत सारा सामान आना जाना होता है। चलिए फंसाई उधर है, फंसाने का जगह नहीं है, रुकिए रुकिए रुकिए, हम जगह बना रहे हैं, देखिए टाइल्स को बहुत ही अच्छा है और मजबूत से बांध दिए दोस्तों स्कूटी में, देखिए कितना अच्छा है, एकदम थोड़ा सा भी हिल नहीं रहा है, इतना मजबूत हो गया, अब इसको जहाँ भी ले जाएंगे वहाँ चला जाएगा, स्कूटी लेने का यही फायदा है दोस्तों, पूरा हम लोग सोच समझ करके स्कूटी लिए हुए हैं, एकदम कोई भी सामान ले आना जाना में एकदम कोई तरह का दिक्कत नहीं होता है। तो आप चलते हैं दोस्तों, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। देखिए इधर लक्ष्मी और कविता जी,
दोनों पानी में खेल रहे हैं। लक्ष्मी को पूरा मजा आ रहा है पानी में, क्या लक्ष्मी? चलो हो गया, तो चलते हैं दोस्तों, जल्दी से कपड़ा वगैरह चेंज करते हैं और निकल जाते हैं, क्योंकि अभी मौसम पूरा साफ किया हुआ है, नहीं तो फिर बारिश का मौसम बना देगा तो फिर टेका जाएंगे, इसलिए जल्दी से निकलते हैं। देखिए यहाँ पर भाड़ा उड़ा बांधा हुआ है ना, दिक्कत होता है चलने में। तो हम कलर घर के पास आ गए दोस्तों, यहीं पर डेक्ची में पानी है, यहीं पर थोड़ा धो लेते हैं। तो हाथ मुंह धो लिए दोस्तों, अब चलते हैं फटाफट कपड़ा चेंज करते हैं। देखिए लाइट वगैरह कट गया है ना, पूरा अंधेरा टाइप का लग रहा है। देखिए ये वाला रूम तो और भी अंधेरा लग रहा है, अब पता नहीं कब तक लाइट आएगा। देखिए इधर सारा कपड़ा टांगा हुआ है मेरा, यही सब पहनते हैं। तो कपड़ा वगैरह चेंज करके हम रेडी हो गए हैं दोस्तों, अब निकलते हैं फटाफट। तो हेलमेट वगैरह लगा लिए दोस्तों, अब फटाफट चलते हैं। ठीक है जी, हम निकलते हैं। हाँ ठीक, अच्छा चलेगा। हाँ हाँ, तो घर से हम निकल गए हैं दोस्तों, आप फटाफट चलते हैं टाइल्स दुकान। तो टाइल्स दुकान हम पहुंच गए दोस्तों, देखिए यही दुकान से हमारे घर का टाइल्स गया था, तो अब चलते हैं फटाफट उतारते हैं टाइल्स। यहाँ पर फंसा दिए, तो सारा हिसाब किताब हो गया दोस्तों, अब चलते हैं सीधे घर निकलते हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।